हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील है। एप्पल ने रिलीज़ किया iOS 16.3.1 का फाइनल स्टेबल वर्जन। इस नए अपडेट के अंदर क्या कुछ नया आपको देखने मिलने वाला है, क्या कुछ फिक्स किया गया है, सारी चीजें एक एक करके हम चेकआउट करेंगे। और iOS 16.3.1 के साथ एप्पल ने iPadOS 16.3.1 भी रिलीज किया है, WatchOS 9.3.1 भी रिलीज किया है और साथ ही रिलीज किया है HomePod का 16.3.2 वर्जन भी। सबसे पहले बात करते हैं iOS 16.3.1 की, तो यहाँ पे अपडेट का जो साइज है वो 334 MB का निकल के आया है मेरे iPhone 14 Pro Max पे। अगर जो कोई आईफोन हो और वो चल रहा है iOS 16.3 के फाइनल स्टेबल वर्जन के ऊपर, तो आपको ये वाला अपडेट जो है 300 से 400 MB के आसपास का देखने मिलेगा। अगर चलो आप पुराने वर्जन पे चल भी रहे हो और ज्यादा MB या ज्यादा GB का अपडेट आ चुका है आपके पास, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपडेट डाउनलोड इंस्टॉल करनी है तो डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना आप, उसके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं अपडेट के पहले का बिल्ड नंबर क्या था, इसका अवेलेबल फ्री स्पेस क्या था और बाद में क्या हो गया। तो यहाँ पे अपडेट के पहले का वर्जन था iOS 16.3 का, इसका बिल्ड नंबर जो था वो था 20D47 और यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस था 784.03 GB का और मॉडेम फर्मवेयर था 1.41.02। अपडेट के बाद यहाँ पे आपको नया iOS वर्जन देखने मिल रहा है जो कि है iOS 16.3.1। इसमें आपको बिल्ड नंबर देखने मिलेगा 20D67, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस अच्छी खासी घट गई है, 784 से घटकर ये अब हो चुकी है 770.71 GB। तो ऐसा क्यों हुआ है ये भी चेक करेंगे हम। और यहाँ पे मॉडेम फर्मवेयर नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया, यानी कि मॉडेम फर्मवेयर का कोई भी अपडेट इस वाले अपडेट में रिलीज नहीं किया एप्पल ने। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या नया है। तो इसमें बेसिकली कुछ भी नया नहीं है, इसमें Apple ने फिक्सेस किया है। तो व्हाट्स न्यू में फिक्सेस ही हमारे यहाँ पे सबसे पहला जो फिक्स Apple ने किया है वो किया है iCloud से रिलेटेड। तो आपके iPhone के iCloud अकाउंट में आपके चले जाइए और यहाँ पे अगर आपको iCloud बैकअप बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी तो वो प्रॉब्लम अभी जो है Apple ने यहाँ पे फिक्स किया है। तो बैकअप योर iPhone अगर आप करना चाहते हैं और उतना स्टोरेज आपके पास है तो आप जो है अपना बैकअप ऑन करके यहाँ पे आप बैकअप बना पाएंगे। बहुत लोगों को बैकअप बनाने में जो है इसमें प्रॉब्लम भी आ रही थी, तो Apple ने इसको किया है इसमें फिक्स। सेकंड चीज जो यहाँ पे Apple ने फिक्स किया है वो है रिलेटेड टू Siri। तो यहाँ पे Siri के अंदर अगर आप लोकेट माई डिवाइस कर कोई भी डिवाइस के लिए, तो उसको एप्पल ने भी फिक्स किया। तो चलिए हम लोग वो चीज ट्राई करते हैं, लोकेट माय एयरपॉड्स 3। व्हिच मॉडल AirPods Pro or AirPods? Which ones? Nabil's AirPods. I can't tell if they're nearby. I can try playing a loud sound if you're sure they're not in anyone's ears. Should I do that? Pinging them now. तो यहाँ पे इस तरीके से करके जो है आप अपने डिवाइसेस को फाइंड कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम पहले काफी दे रहा था, अभी इसको Apple ने फिक्स किया है और इसको टेस्ट करने की जरूरत है। और जब फुल रिव्यू बनाऊंगा तो इसको टेस्ट करके अच्छे से आपको बताऊंगा कि ठीक से काम कराएगी नहीं बाकी डिवाइसेस को फाइंड करने में। अगली चीज जो Apple ने यहाँ पे फिक्स किया है वो है क्रैश डिटेक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर आपके पास iPhone 14 सीरीज का कोई डिवाइस है तो इमरजेंसी SOS में आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलता है क्रैश डिटेक्शन, और अगर आप इसको ऑन कर दो तो आप लोग जानते हैं कि रोलर कोस्टर वगैरह में बैठने से काफी प्रॉब्लम आ रही थी, क्रैश डिटेक्शन जो है एक्टिवेट हो रहा था जिसकी वजह से इमरजेंसी SOS सर्विसेज को कॉल वगैरह लग जा रहे थे। तो वो यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया एप्पल ने ताकि अभी वो फॉल्स अलार्म जो है बार बार ना बजे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं उन बग फिक्सेस की जो एप्पल ने यहाँ पे इस वाले अपडेट में फिक्स किया है। तो उसके लिए हम चलते हैं म्यूजिक के अंदर और म्यूजिक के अंदर जाकर कोई भी ऐसी ट्रैक कुछ भी प्ले कर देते हैं। मैं तो म्यूजिक सुनता नहीं, लेकिन आपको बताने के लिए डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको लगाया हुआ है। इसको जब हम इस तरीके से ऊपर पुश करते हैं तो डायनामिक आइलैंड में ये इंस्टेंटली जो है इस तरीके से चला जाता है जो कि पहले नहीं जा रहा था। तो ये इशू जो है डायनामिक आइलैंड वाला जो उसमें लैग वगैरह देखने मिलता था वो एप्पल ने यहाँ पे फिक्स किया है। दूसरी चीज जो एप्पल ने यहाँ पे फिक्स किया है विदाउट मॉडेम फर्मवेयर अपडेट वो है कनेक्टिविटी इश्यूज। तो अगर आपको कनेक्टिविटी इशू आ रहा था ब्लूटूथ के अंदर, एयरड्रॉप के अंदर या फिर हॉटस्पॉट के अंदर, तो वो चीज एप्पल ने यहाँ पे इस वाले अपडेट में फिक्स किया है। अब यहाँ पे एप्पल की वेबसाइट पे आ जाते हैं और देखते हैं सिक्योरिटी फिक्सेस यहाँ पे एप्पल ने क्या किया है। तो यहाँ पे सफारी से रिलेटेड जो है सिक्योरिटी फिक्सेस एप्पल ने किया है उसके वेबकिट में, तो यहाँ पे देख सकते हैं उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। और सिर्फ अगर OS की बात करें तो यहाँ पे उसके कर्नल में और उसके वेबकिट में भी एप्पल ने यहाँ पे काफी सारे फिक्सेस किया। तो ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती है ये आपकी सिक्योरिटी को भी एनहांस करती है। बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं आपके आईफोन के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर वो इस तरीके से यहाँ पे फिक्स किए जाते हैं इन सिक्योरिटी अपडेट्स के जरिए से। यहाँ पे इस वाले अपडेट के अंदर कोई स्टोरेज बग है या नहीं वो मुझे चेक करना है, क्योंकि स्टोरेज मेरा अच्छा खासा जो है वो कम हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 14 GB के आसपास जो है स्टोरेज मेरा रिड्यूस हो गया है यहाँ पे। तो आईफोन स्टोरेज में चले जाते हैं और इसको लोड होने देते हैं, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते चले जाते हैं और देखते हैं सिस्टम स्टोरेज जो है वो कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो यहाँ पे सिस्टम डेटा जो है 7.64 GB है, which is not much, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ ये आगे हमको पता चलेगा जब हम फुल रिव्यू करेंगे, तब पता चलेगा कि कोई स्टोरेज बग है या नहीं। फिलहाल तो इसके अंदर कोई स्टोरेज बग है नहीं, तो आप लोग भी अपडेट कर लेना और हो सकता है इसे मेरे फोन से रिलेटेड ही हो, आपके फोन में ऐसा कोई इशू ना आए जहां पे आपका अवेलेबल फ्री स्पेस जो है वो घट जाए। अब अगली चीज यहां पे गाइस बैटरी लाइफ, तो सेटिंग्स में चले जाते हैं बैटरी के अंदर और बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग देख लेते हैं। 100% है कैपेसिटी, यहां पे अपडेट का कोई भी असर आपकी बैटरी हेल्थ पे नहीं होता। अपडेट के बाद कभी भी बैटरी हेल्थ रिड्यूस दिखाता है क्योंकि बैटरी हेल्थ एक्चुअल में रिड्यूस हो चुकी है, लेकिन अपडेट की वजह से वो रिकैलिब्रेट हो जाती है। अभी यहां पे इस वाले अपडेट की जो बैटरी लाइफ है वो
बताना जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि अभी कुछ घंटों पहले ही अपडेट आई है। तो इसको मैं कम से कम 3 से 4 दिन इस्तेमाल करूंगा अच्छे से, और फिर आपको जो है बताऊंगा कि बैटरी लाइफ मुझे कैसी मिल रही थी इस वाले अपडेट में। अभी फिलहाल काफी एवरेज सी बैटरी लाइफ है, अगर लास्ट 10 डेज की बैटरी लाइफ आपको बताऊं। और यहाँ पे देख लेते हैं जहां पे मैंने ज्यादा इसको इस्तेमाल किया था, तो 6 hours 31 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम था इस दिन पे जब मैंने इसको सैटरडे के दिन इस्तेमाल किया था। तो इस तरीके की बैटरी लाइफ जो है एक एवरेज बैटरी लाइफ मिल रही है, कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी नहीं है। तो यहाँ पे देखना है कि इस वाले अपडेट में कितनी फिक्स हुई है बैटरी लाइफ, वो आगे हम देखेंगे, हम इसका रिव्यू करेंगे। अब बात करते हैं जनरल परफॉर्मेंस की, तो ओवरऑल मुझे जो है इसमें कोई इशू नहीं आई। बैंकिंग एप्लीकेशन हो या अपने फाइनेंस के एप्लीकेशन हो या गेम्स हो, यूट्यूब हो, सारी चीजें जो है परफेक्टली काम कर रही है। और बात करें अगर परफॉर्मेंस की, एक्चुअल जो बेंचमार्क्स है उसकी, उसमें कुछ कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है वो देखना है। यहाँ पे सीपीयू में चले जाते हैं। पिछला अपडेट जो हमारा आया था वो 24 January को आया था। यहाँ पे देख सकते हैं 16.3 सिंगल कोर का स्कोर था, 1864 मल्टी कोर का स्कोर था 5354, और आज का है 1872 और 5169। तो 19-20 का ही फर्क रहता है हमेशा की तरह, तो यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे कंप्यूटेशन बेंचमार्क जिसको जीपीयू स्कोर कहा जाता है उसका देख लेते तो 15,647 था और आज है 16,616। तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं, तो परफॉर्मेंस आपको वैसा ही देखने मिलेगा जैसे पहले मिल रहा था। बात करते हैं यहाँ पे iOS 16.3.2 की, ये भी एक अपडेट है जो कि आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने मिल सकता है, शायद नेक्स्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में आपको ये अपडेट भी देखने मिल सकता है। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एक छोटा सा इंक्रीमेंटल एक अपडेट था जहाँ पे सिक्योरिटी फिक्सेस और कुछ इश्यूज जो थे आपके वो एप्पल ने फिक्स किया, लेकिन बड़ा अपडेट जो है वो आगे 16.4 के फॉर्म में आने वाला है, जिसके लिए अभी बेटा वर्जन आने बाकी है। इसी के बाद अगर हम बात करें वॉच ओएस 9.3.1 की, तो इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फिक्सेस जो है आपकी एप्पल वॉच के लिए एप्पल ने किया है। तो अगर आपके पास एप्पल वॉच है तो इसको आप अपडेट जरूर कर लेना। इसके बाद होम पॉड के लिए जो ओएस आया है, अगर आपके पास होम पॉड है, होम पॉड मिनी है, जो भी है, तो उसके लिए भी यहाँ पे सीरी से रिलेटेड जो है फिक्सेस किया है, जहाँ पे सीरी फेल हो रहा था कुछ रिक्वेस्ट को आपके एक्सेप्ट करने के लिए और उसको फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पे जनरल परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट किया आपके होम पॉड में। जो चीज आपको iOS 16.3.1 के अंदर देखने मिल रही है, सेम चीज आपको iPadOS 16.3.1 के अंदर भी देखने मिलेगी। तो यहाँ पे भी सेम फिक्सेस जो है एप्पल ने किया आपके आईपैड के लिए, यहाँ पे उसके परफॉर्मेंस को एप्पल ने इंप्रूव करने की कोशिश किया और सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह पुश किए। तो ये थी दोस्तों सारी कहानी iOS 16.3.1 की। क्या आपने अपने आईफोन पे इसको अपडेट किया है? अगर किया है तो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, और नहीं किया है तो रुक जाना, 3 दिन में 4 दिन में आपको एक रिव्यू वीडियो देखने मिलेगा। यहाँ पे बैटरी लाइफ पे फोकस रहेगा मेरा कि बैटरी लाइफ कैसी रही है, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा उस वीडियो के अंदर, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद है उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।